हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में। बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसको सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। सब पहले पढ़ते हैं हम लोग बिहेवियरिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या रखेंगे। जेमी वाटसन, नाम सुना होगा। जेबी वाटसन ने 1924 में एक बुक लिखी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। जेबी वाटसन ने 1924 में एक बुक लिखी जिसका नाम था क्या था, बिहेवियरिज्म। अब इस बुक में इन्होंने क्या क्या लिखा था, इस बुक में इन्होंने इवान पाब्लो का एक एक्सपेरिमेंट था, इसको इंक्लूड किया। और दूसरा लिटिल अल्बर्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जो इन्होंने खुद वाटसन ने खुद किया था, इसके बारे में लिखा। बिहेवियरिज्म यूँ कहूँ तो बिहेवियरिज्म की शुरुआत जो बहुत पहले हो गई थी, 17th century में ही बिहेवियरिज्म की शुरुआत हो गई थी, स्टार्टिंग हो गई थी। और सबसे पहले बिहेवियरिज्म पर काम करने वाले जो थे वो इवान पाब्लो थे। एक्चुअली में इवान पाब्लो जो थे वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने वो डाइजेशन पे काम कर रहे थे और एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। किस पे किया था, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। और अनफॉर्चुनेटली यह एक्सपेरिमेंट जो था वो साइकोलॉजी के फील्ड में आ गया। और वाटसन ने 1924 में सारे को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके एक बुक के रूप में लिखा और उसे पब्लिश किया। कहने का मतलब ये है कि वाटसन ने इसको पॉपुलराइज किया बिहेवियरिज्म में, इसीलिए वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है वाटसन को। इसके बाद वाटसन का एक स्टूडेंट E.L. Thorndike E.L. Thorndike ने इस बिहेवियरिज्म को आगे बढ़ाया। E.L. Thorndike और उसके बाद E.L. Thorndike को साइकोलॉजी फॉर एजुकेशन, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। E.L. Thorndike को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने जो थ्योरी दिया था बिहेवियरिज्म का, जो थ्योरी था वो था थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर या थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, या थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दिया था, उसके बाद इसके एक स्टूडेंट B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक का स्टूडेंट B.F. स्किनर, इन्होंने इसके कार्य को मतलब बिहेवियरिज्म को और आगे बढ़ाया। इन्होंने जो थ्योरी दिया उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। गॉट इट। कहने का मतलब सबसे पहले जो बिहेवियरिज्म पर जो काम किया था वो इवान पाब्लो ने काम किया था, ठीक है। इवान पाब्लो की जो थ्योरी थी उसको हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। और इसी थ्योरी पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, इन्होंने वाटसन ने लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट्स, और इसको अपने एक बुक के रूप में पब्लिश किया 1924 में।
और इसे नाम क्या दिया, बिहेवियरिज्म। अब इस बिहेवियरिज्म को फील्ड को आगे बढ़ाया वाटसन के एक स्टूडेंट थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर या कनेक्शनिज्म, और इस थ्योरी को आगे, इस फील्ड को आगे बढ़ाया बी एफ स्किनर ने और फ्रेंड कंडीशनिंग की थ्योरी दे गए थे। अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। बिहेवियरिज्म में हम लोग को पढ़ना जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग, बिहेवियरिज्म में हमको पढ़ना है वो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ना है। ये थ्योरी है पावलो और वाटसन की थ्योरी। दूसरा थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग जो दिया था वो थॉर्नडाइक का, इसको ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं और सारे नाम है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, ओके, ये तीनों थ्योरी हैं जो हमें पढ़ने हैं बिहेवियरिज्म में, और सारे थ्योरी है जी, ये इम्पोर्टेंट तीन थ्योरीज हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि बिहेवियरिज्म में होता क्या है। एक्चुअली लर्निंग का डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये जो लर्निंग का डिफिनेशन है वो पार्टिकुलरली डिफिनेशन जो है वो बिहेवियरिज्म का डिफिनेशन जो क्या है, बिहेवियरिज्म का। और बिहेवियरिज्म के जितने भी थ्योरीज हैं वो सारे लर्निंग की थ्योरीज है। और लर्निंग के बारे में बिहेवियरिज्म क्या कहता है, पहले एक्चुअली ये समझते हैं कि बिहेवियरिज्म है क्या, बिहेवियरिज्म क्या कहता है। लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियरिज्म क्या क्या कहता है ये समझ लीजिए। लर्निंग जो है वो चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर। अगर बिहेवियर में चेंज होता है तो लर्निंग हुई, आप बिहेवियर में चेंज नहीं होता तो लर्निंग नहीं होती। सपोज दैट कि आपको अगर गाड़ी चलाने आता है, गाड़ी चलाना आपने सीखा, अगर चला करके दिखा रहे इट मीन्स आपकी लर्निंग हुई, अगर चला करके नहीं दिखा रहे इसका मतलब आपकी लर्निंग नहीं हुई। ठीक, मतलब चेंज इन बिहेवियर रिफ्लेक्ट होना चाहिए बिहेवियर से, अगर रिफ्लेक्ट हो रहा आपकी लर्निंग तो वो लर्निंग हुई, अदरवाइज लर्निंग नहीं हुई। दूसरा बिहेवियर, दूसरा क्या कहता है, एनिमल एंड ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस आर सेम। बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि एनिमल की लर्निंग और ह्यूमन बींग्स की लर्निंग प्रोसेस सेम है, मतलब मनुष्य वैसे ही सीखता है, ह्यूमन बींग वैसे ही सीखता है जैसे जानवर सीखते हैं, मतलब जानवरों की लर्निंग और ह्यूमन की लर्निंग दोनों की लर्निंग क्या है, सेम है। ये कौन कहता है, बिहेवियरिस्ट कहता है। फोर्सफुली लर्निंग जो होता है वो फोर्सफुल्ली होता है, मतलब हम फोर्सफुल्ली सिखा सकते हैं, ये बिहेवियरिस्ट का मानना है। एम्प्टी ब्रेन, ये चार बात याद रखनी है। बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि मनुष्य का ब्रेन जो होता है वो एम्प्टी है, मतलब खाली होता है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा टेबुला राशा, जॉन लॉक ने दिया था, तो इससे मिलता जुलता है ये जो एम्प्टी ब्रेन का कॉन्सेप्ट है, या टेबुला राशा ने दिया था। टेबुला राशा का मतलब एम्प्टी ब्रेन या खाली, मतलब कि खाली स्लेट, वाइट पेपर, मतलब मनुष्य का दिमाग जो होता है वो खाली होता है, कोरा कागज, यूं समझ लो कोरा कागज, और उसमें हम जो चाहे वो भर सकते हैं। ओके, तो ये चार पॉइंट है जो बिहेवियरिज्म बिलीव करते हैं इस बात में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग क्या होती है, चेंज इन बिहेवियर, अगर बिहेवियर से रिफ्लेक्ट हो रहा है चेंज तो वो लर्निंग हुई, अदरवाइज नहीं। एनिमल लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग दोनों सेम होते हैं, फोर्सफुल्ली सिखाया जाता है,
और मनुष्य का ब्रेन जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसमें हम जितना डाल सकते हैं, जितना उसे ट्रेन कर सकते उतना ट्रेन कर सकते हैं। इस बात से वाटसन ने, वाटसन का एक स्टेटमेंट है, गिव मी सम हेल्दी चाय आई विल मेक देम व्हाट यू वांट, मतलब मुझे कुछ हेल्दी बच्चे दे दीजिए, मैं उसे वो बना दूंगा जो आप चाहते हैं। कहने का मतलब, वाटसन पूरी तरह बिलीव करते थे कि हम उसे ट्रेन कर सकते हैं, हम जैसे चाहे वैसे ट्रेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।